तो आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपने यूट्यूब के सेटिंग के अंदर लाइव चैट सेटिंग यूज करना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो कि इस सेटिंग से क्या होता है और यहाँ पे देखने को मिल जाता है होल्ड फॉर रिव्यू, यानी कि इस सेटिंग को इनेबल करने से क्या होता है और इस सेटिंग को डिसेबल करने से क्या होता है, वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी सेटिंग के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो ये दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि आखिरकार इस सेटिंग को कैसे यूज करते हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको करने का है, सबसे पहले अपने जीमेल आइकन पर क्लिक करना है। YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार इस सेटिंग का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा होल्ड फॉर रिव्यू, यानी कि यहाँ पे आप किसी भी कमेंट को, आप यानी कि मैसेज को आप होल्ड में कर सकते हैं और उसे बाद में रिव्यू कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस सेटिंग को यहां से इनेबल कर देते हैं और आप अपने चैनल पर लाइव यहां से वीडियो चलाते हैं, जैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ यहाँ पर आप बात करते हैं, लाइव यहाँ पर अपना वीडियो ओपन करते हैं, अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो ये सेटिंग उसी के लिए है जो यहाँ पर अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। उसके बाद यहां पे देखने को मिलेगा होल्ड फॉर रिव्यू, यहां पे देखने को मिल जाता है आपको इसे रीड करना है। अब मैं आपको यहां पे हिंदी में बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पे देखने को मिलेगा संभावित रूप से अनुचित संदेश आपकी चैट में समीक्षा के लिए आयोजित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब अपने मोबाइल फोन के यूट्यूब पर आप कुछ भी लाइव यहां पे स्ट्रीमिंग करते हो, उस वक्त आपके लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो के अंदर एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो उस लाइव चैट के अंदर बहुत से सारे लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उन्हें बताएंगे, आपसे सवाल करते हैं। अगर उसी सवाल यानी कि उसी लाइव चैट के बीच कोई भी बंदा कोई ऐसा गलत कमेंट कर देता है, अनुचित कमेंट कर देता है, तो उस कमेंट को YouTube होल्ड में कर देगा, यानी कि आपके उस कमेंट को और उस वीडियो के अंदर उस कमेंट को होल्ड में कर देगा, वो कमेंट किसी को नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप लाइव चल रहे हैं यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उस वक्त आपकी लाइव यहाँ पे चैटिंग चलती है, यानी कि लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर कोई भी जैसे आपको कोई यहाँ पे गलत शब्द का उपयोग करता है या आपस में यहाँ पे चैटिंग करते वक्त गाली देने लगते हैं, तो उनकी जो यहाँ पे मैसेज होता है, उनकी जो कमेंट होती है, उसको YouTube होल्ड कर देगा अगर आप इस सेटिंग को यहां से इनेबल कर देते हैं। उसके बाद अगर आप उन्हें चेक करना चाहते हो कि आखिरकार किस किस बंदे ने हमारे लाइव यहां पे चैट के अंदर क्या क्या गलत कमेंट किया है और कितनी कमेंट होल्ड में है, तो आप उन्हें चेक करने के लिए अपने मोबाइल फोन के यानी कि क्रोम ब्राउजर में जाना है, स्टूडियो ओपन करना है अपने उसी आईडी से लॉगिन करके। स्टूडियो ओपन करने के बाद वहां पे अपने सारे के सारे वीडियो ओपन करना है, यानी कि सारे के सारे वीडियो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे वहां पे ओपन करना है, और जिस वीडियो के अंदर आपने लाइव चलाया है, जिस वीडियो के अंदर आपने लाइव स्ट्रीमिंग की है, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप कमेंट पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा होल्ड, यहाँ पे कमेंट होल्ड रिव्यू का देखने को मिलेगा। जितनी सारी आपकी यानी कि आपके वीडियो के कमेंट होल्ड में होंगे वो वहां पे देखने को मिलेंगे, उसके बाद उसे आप वहां पे रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि उसे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं ये कमेंट सही है, यानी कि ये कमेंट या अच्छी है, ये वीडियो ये कमेंट हमारे चैनल के लिए और ये बंदा सही कह रहा है, तो आप उस कमेंट को रिव्यू करके आप उसे यानी कि परमिशन दे सकते हैं कि यह कमेंट सभी लोगों को देखने को मिलना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपने YouTube के अंदर लाइव चैट सेटिंग और यहाँ पे होल्ड फॉर रिव्यू सेटिंग यूज कर सकते हैं। इससे यही होता है कि आपके लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त लाइव चैट के अंदर कोई गलत कमेंट आता है तो YouTube उसे होल्ड में कर देता है, उसके बाद उसे आप चेक करके उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि इस सेटिंग को कैसे यूज करते हैं। अगर आप भी अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं, यहाँ से आपको इसे इनेबल कर देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।